हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विद टैली। दोस्तों, यूट्यूब पे हम कुछ सैंपल प्रमोशनल वीडियो ही अपलोड करते हैं। अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो हमारी डीवीडी खरीद सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में। बिजनेस ट्रांजेक्शन व्यापार में किए गए लेन देन, और उसमें परचेस ट्रांजेक्शन्स आते हैं, पेमेंट ट्रांजेक्शन्स आते हैं, सेल्स ट्रांजेक्शन्स, रिसीव ट्रांजेक्शन एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो ये परचेस ट्रांजेक्शन्स क्या है, परचेज क्या है, पहले हम परचेज के बारे में जानें। तो व्यापार में खरीदा गया माल परचेज कहा जाता है। व्यापार में माल हम नगद भी खरीद सकते हैं और व्यापार में माल हम उधार भी खरीद सकते हैं। तो नगद खरीदे गए माल कैश परचेज, और उधार खरीदे गए माल क्रेडिट परचेज। तो अगर हम कोई माल परचेज करते हैं तो उसे हम रिटर्न भी करते हैं। तो ये परचेज रिटर्न क्या है, जब खरीदी गई माल में से कुछ माल किसी कारणवश वापस कर दिए जाते हैं तो वो परचेज रिटर्न कहलाते हैं। तो आइए हम परचेज ट्रांजैक्शंस को देखें। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या चेक या पार्टीज नेम को हम क्रेडिट करेंगे। कैश हम तब देंगे जब हम माल नगद खरीद रहे हैं, और पार्टीज नेम हम तब देंगे एंट्री में जब हम माल उधार खरीद रहे हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखें। बाउट गुड्स फ्रॉम अनामिका स्टोर्स, अनामिका स्टोर्स से माल खरीदा 5,000 रुपये की। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनामिका स्टोर्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स के रूल लगे हैं यहाँ पे। और परचेज रिटर्न्स के एग्जांपल देखें तो गुड्स रिटर्न टू अनामिका स्टोर्स, माल हमने वापस किया अनामिका स्टोर्स को 500 रुपये की माल। तो अनामिका स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। तो आगे हम देखते हैं पेमेंट ट्रांजेक्शन्स। अगर हम किसी, ये पेमेंट क्या है, पहले पेमेंट के बारे में जान लें। अगर हम किसी ऑफिशियल वर्कर को मंथली सैलरी देते हैं, वो हमारा पेमेंट होता है। और पेमेंट के ट्रांजैक्शंस हैं पार्टीज नेम या ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और कैश या चेक को हम क्रेडिट करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। पेड कैश टू अनामिका स्टोर्स, अनामिका स्टोर्स को हमने पेमेंट किया कैश में 4,500 रुपये। तो यहाँ पे हम अनामिका स्टोर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ भी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स के रूल लगे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम सेल्स ट्रांजेक्शन्स की तरफ। ये पहले सेल्स क्या है, सेल्स के बारे में जान लें। जो माल बेचा जाता है उसे हम विक्रय कहते हैं। जो माल हम नगद बेचते हैं नगद विक्रय कहा जाता है, जो माल हम उधार बेचते हैं उधार विक्रय कहा जाता है, और जो माल हम नगद और उधार दोनों मिलाकर बेचते हैं उसे हम टर्नओवर कहते हैं। तो अगर हम कोई माल बेचे हैं तो हो सकता है वो हमें वापस भी कर सकता है, तो वो हो जाएगा सेल्स रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न क्या है, जब बेचे हुए माल का कुछ भाग विभिन्न कारणों से व्यापारी लौटा देता है तो वो विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न्स कहा जाता है। तो आइए हम इनके एग्जांपल्स देखें। सोल्ड्स गुड्स टू राहुल, राहुल सामान बेचा, तो राहुल से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ भी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स के रूल लगे हैं। राहुल सामान बेच रहा है और राहुल को क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। और सेल्स रिटर्न्स के एग्जांपल, सेल्स रिटर्न्स फ्रॉम राहुल, राहुल ने जिसको सामान बेचा वो व्यापारी उसे वापस लौटा रहा है, किसी कारण बस लौटा रहा होगा। तो देखिए इसके एग्जांपल, इसके सेल्स रिटर्न्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और राहुल के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि राहुल से कैश जा रहा है और सेल्स हमारे पास वापस आ रहा है, तो आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। आगे हम चलते हैं रिसीव ट्रांजैक्शंस की तरफ। ये रिसीव क्या है, अगर हमें कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है
तो वो रिसीव्ड हो रहा है क्योंकि हम उसे ले रहे हैं, रिसीव्ड कर रहे हैं, तो वो रिसीव्ड हुआ। तो ये देखिए रिसीव्ड ट्रांजैक्शन, कैश या चेक को हम डेबिट करेंगे और पार्टीज या पार्टीज नेम और इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसके एग्जांपल देखें, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल ₹1000। यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट, और राहुल कैश देने वाला है तो राहुल के को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ भी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स के रूल लग रहे हैं। तो आगे हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में जानते हैं। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में और कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो एक कैश टू बैंक ट्रांजैक्शंस हुआ जिसमें हम डिपॉजिट करते हैं, और एक कैश टू बैंक ट्रांजैक्शन वो हुआ जब हम कैश बैंक से विड्रॉ करते हैं, और एक बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें हम कैश ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। आइए हम जाने ट्रांजैक्शंस नेचर के बारे में। एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन नेचर है और दूसरा कैश ट्रांजैक्शंस नेचर है, उधारी लेन देन और नगद लेन देन। तो दोस्तों अगले क्लास में हम आपसे बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। तो अब अगले टॉपिक पर अगले क्लास में बात करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। आप हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।